Good morning students. In this video we are going to continue with the subject English language of class 3. We are going to continue with page number 1, exercise A. In this exercise we have to join the words in the two columns to make complete sentences. हमने ये दो कॉलम्स दिए हुए हैं. इन दोनों कॉलम्स को हमने आपस में अच्छे से मैच करना है और इस तरह से मैच करना है ताकि वो एक कंप्लीट सेंटेंस बना पाए. फर्स्ट द स्टूडेंट. नाउ यू कैन सी देर आर सो मेनी ऑप्शंस. इफ़ वी मैच द स्टूडेंट विद दिस तो इट विल नॉट मेक एनी सेंटेंस. द स्टूडेंट लैंडेड अ फ्यू मिनट्स अगो. मे बी इट कैन मैच बट द प्रॉपर मैचिंग इज विद दिस वन. टुक हिज बैग एंड वेंट टू स्कूल. So the first one is the student took his bag and went to school. Second, the house. The house is built on a lake. We have to match the second one with this. Is built on a lake. Third, the mother. The mother was carrying the baby. Why we are matching this with this? Because this make a complete sentence. Fourth one, the clouds. The clouds were dark and gray. The aeroplane. The aeroplane landed a few minutes ago. The actors performed brilliantly. And the last one is the crowd. We are going to match this with this. Cheered the team loudly. So in the second column the numbers are 3, 4, 5, 8, 7, 1, 6, 2. So students, you have to match it correctly. Now page number 2. There are two sentences given. First of all we are going to read this. Kavita switched on the television. Grey clouds covered the sky. Ab ye do sentences diye hue hain. इनमें हमें कुछ बताने की कोशिश की गई है. जैसे फर्स्ट है, कविता ने टेलीविज़न का स्विच ऑन किया और जो ग्रे क्लाउड्स हैं उन्होंने पूरे स्काई को कवर करके रखा हुआ है. दीज सेंटेंसेस स्टेट समथिंग. ये हमें कुछ बता रहे हैं. नाउ सेंटेंसेस दैट स्टेट समथिंग और गिव अस इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड स्टेटमेंट्स. दे एंड विद द फुल स्टॉप. जो सेंटेंसेस हमें कुछ बताते हैं या फिर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं उनको हम बोलते हैं स्टेटमेंट्स और ये ऑलवेज फुल स्टॉप के साथ एंड होते हैं. सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट स्टेटमेंट्स ऑलवेज एंड विद द फुल स्टॉप. नेक्स्ट, नाउ रीड दी सेंटेंसेस. डिड यू क्लीन अप द कबर्ड. क्या आपने कबर्ड क्लीन किया. वेयर डज प्रीतिका स्टे. प्रीतिका कहाँ पर रह रही है. These sentences ask a question. Students, as you can see, in these two sentences, they are asking question. There is a question mark also. So, ये क्या है? Sentences that ask something are called questions. जिन sentences में कुछ पूछा जाता है, उनको हम questions कहते हैं. They end with a question mark. And remember, questions always end with a question mark. Now, note, questions usually start with is, am, are, has, have, will, shall, do, does, was, were, did, shall, will, can, may, could, would, or should. They may also start with a question word such as what, why, where, when, who, which, how. So, students, you have to learn it. We are going to do exercise B. Read the sentences. Tick S if the sentence is a statement and Q if the sentence is a question. Then add the correct punctuation mark. First, where is the cat? So students, in this exercise what we have to do? जो sentences हमें statement बता रहे हैं वहाँ पे हम एस के आगे टिक करेंगे और जो क्वेश्चन बता रहे हैं वहाँ क्यू वाले बॉक्स के आगे टिक करेंगे. ऑल्सो हमें यहाँ पे करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स भी देने हैं. फर्स्ट,
वेयर इज द कैट्स, तो ये एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या है, कैट कहाँ पे है, तो ये क्यू पे टिक हो जाएगा। आई गो टू स्कूल बाय बस, मैं बाय बस स्कूल जाता हूँ, कुछ फुल स्टॉप, तो ये एस पे टिक हो जाएगा। द प्लेयर किक द बॉल, प्लेयर ने बॉल को किक किया, ऑल्सो दिस इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट, सो वी हैव टू टिक एस। कैन यू हेल्प मी फाइंड माई बुक, क्या आप मुझे हेल्प करोगे बुक ढूंढने में, तो दिस इज अ क्वेश्चन, वी हैव टू टिक क्यू बॉक्स। वट इज़ योर फेवरेट कलर, क्या आपका फेवरेट कलर कौन सा है, तो दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन, तो वी हैव टू टेक क्यू। वी वेंट टू द म्यूजियम लास्ट संडे, दिस इज अ स्टेटमेंट, वी हैव टू टेक एस। विल यू प्लीज क्लोज द डोर, क्या आप डोर क्लोज कर देंगे, तो ये एक क्वेश्चन है, तो वी हैव टू टेक क्यू। डिड यू वॉच द फिल्म, दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन, we have to take q. the bird was making its nest, birds apni nest bana rahe the, to s. so students, that's all, take care of yourself.